हाय, मैं हूँ कोमल और ये हम चौथी दफा डन ऑर्डर कर रहे हैं एक महीने। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कोमल और आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम आए हैं मोस्ट फेवरेट बॉलीवुड लोकेशन जो के है ये कासल है, डनोटर कासल। ये जो है 14th सेंचुरी में बना गया था और काफ़ी जंगें इसमें हुई हैं, इन्होंने फिर भी स्ट्रक्चर को संभाल के रखा है। कुछ चीज़ें यहाँ आने से पहले माइंड में रखनी है कि स्लिपरी थोड़ा रहता है, ये विंटर्स में कोई आ रहा है तो बहुत कॉशियस होके आओ। ये ब्रीफ हिस्ट्री है और जब मैं आने से पहले इधर थोड़ा सा रीड आउट कर रही थी कि क्या है कैसा है, तो उसमें ये भी था कि बाहुबली जो मूवी है वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं शूट हुई, जो उन्होंने माँ हिशमती का जो बनाया हुआ था कासिल उसकी इंस्पिरेशन भी इधर से थोड़ी बहुत ली गई है। और मैं एक दफ़ा विंटर्स में आई थी अपने फ्रेंड के साथ इधर, हाँ, तो ये बहुत ही गंदा स्लिपरी था क्योंकि वो ये वाला जो ज़मीन है ना वो बर्फ़ जम के वो जैसे नहीं क्रिस्टल टाइप बन जाता है वैसे होती है। जो ये हाइक वगैरह ये तो ऑब्वियसली फ्री है, इसमें तो आपने कुछ नहीं पे करना। जो कासिल के अंदर गेट जाके अंदर आपने जो जाना है उसके अराउंड 10 pound टिकट है, चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम जैसे समर्स में आए, समर हमारा ऐसा, ये जैकेट्स आप देख रहे हो, आप कह रहे हो ये कौन सा समर है, यही समर है, स्कॉटलैंड का समर यही होता है। पीछे कहाँ गए, नहीं आ रहे क्या अम्मा पापा, नहीं आ रहे थे का? एक एक स्टेप पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये चेक करें, करके जाना है पहले आराम आराम से, ऐसे चलते हुए ऐसे ऊपर जाओगे तो वो ऊपर कासिल में पहुँचोगे। अगर तो वो दिख रहे हैं वो छोटे छोटे पिलर्स तो आपको गाना याद आ गया होगा ये कौन सा है। सुरा, जैसा कि हम देसी कहीं पे ट्रैवल करने जा रहे हैं और उनको मसला है हलाल फूड या वेज फूड का, तो प्लीज़ अपने साथ चीज़ें ज़रूर लाओ क्योंकि यहाँ पे नहीं होंगी अवेलेबल। एक ही ट्रक शॉप है जिसमें सिर्फ बर्गर्स होते हैं। ये मैं सुरंग की तरफ जाते हुए, कुछ निकलेगा तो नहीं यहाँ से, कासल देखने के बाद हम समंदर की तरफ नीचे जा रहे हैं। ये थोड़ा डेंजरस है करना, पर हमारे पेरेंट्स हमसे ज़्यादा एडवेंचरस है, वो पहुँच चुके हैं, फुल फ्लिप भी हुआ है। सो उतर तो गए हम एक्साइटमेंट में, बीच भी कर लिया पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। बताया कि यहाँ पे पहुंचने की जो है तरीके एक दो हैं, एक तो कुछ लोग काफ़ी टूरिस्ट टूर बुक करा के आ जाते हैं, इंडिविजुअली अगर आपने आना है तो उसके लिए आप एक बस ले सकते हैं। अगर एबरडीन सिटी से आ रहे हैं वहां से आपको बस डायरेक्ट लेती है, और यूनियन स्क्वायर मॉल है वहां से आप बस लेते हैं, 13 to 15 pound रिटर्न होता है उसका और आपको बिल्कुल रोड पर आके छोड़ती है, और गाड़ी में तो आप आएंगे तो वो आधे घंटे का रास्ता रहता है। होप आप सबने मेरा ब्लॉग इन्जॉय किया होगा, मैंने अपने कैमरा के थ्रू आपको जो भी स्कॉटलैंड की ब्यूटी है वो दिखाई, और जो भी आपके अकॉर्डिंग सजेशन है प्लीज़ कमेंट कीजिए। बट आज के में हम देखेंगे कि ये लिटरली वर्क करता है कि नहीं, और इसको ट्राई करते हैं। मेरा खुद फर्स्ट टाइम है, मैंने इलेक्ट्रिक कभी नहीं ट्राई किया, तो लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट है। लाइक हमेशा नहीं ट्राई करो, बेटर रहेगा कि इमरजेंसी केस में, अब जैसे हमें इफ्ताह पे जाना है तो मुझे जल्दी में कुछ करना है, तो ये आई थिंक बेस्ट सॉल्यूशन होना चाहिए इफ़ ये वर्क करता है तो। सो, मैं रिकॉर्ड कर रही थी, नहीं कर रही थी और मैं सारा डेमो करके बता चुकी हूँ। खैर, ये ऐसा है, इसके ऊपर से कैप है, लिपस्टिक लाइक शेप है, मुझे पैकेज अच्छा लगा काफ़ी। मुझे थोड़ा सा डर, मेन चीज़ मुझे कन्फ्यूजन थी कि ये वाला जो पार्ट है ये चेंज होता है, रिप्लेस होती है चीज़ें, उसने कहा नहीं नीडेड नहीं है इसको, पर ये खोल भी सकता है। और इधर इन्होंने दी है एक टॉर्च, किस है इसमें बैटरी डालने का ऑप्शन, जो कि इन्होंने शायद दिया, शुक्र है दे दिया। इस तरह पापा जब हैं मेरे तो बहुत लाइट है, एक्सफोलिएशन नहीं हो रही है आपकी स्किन।
आई थिंक इमरजेंसी पर्पज़ के लिए बिल्कुल ठीक है, आपकी स्किन पे लाइट सा एक इफेक्ट देता है और मुझे थोड़ी सी समझ आई चीज़ इमरजेंसी के इसके लिए पड़ा रहा है, बहुत छोटा सा हैंडी है, अपने पर्स में भी डाल के रख सकते हो। जिन गर्ल्स को प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है, मेरा ऐसा वो तो नहीं है, बट मैं 2 महीने में 1 महीने में कभी भी मूड हो तो कर लेती हूँ हल्का सा वैक्स। तो वैक्स का ही सॉल्यूशन है इनकेस आपको नीड हो रही है स्किन को स्मूथ करना मेकअप करने से पहले, तो ये आप कर लो। और जिनको